हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल इंडिया वालों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है उस पर रिएक्शन करूंगा मैं, बहुत ही कमाल की वीडियो है और आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिन सिटी पर मैं रिएक्शन कर रहा हूं कि इसके अंदर काम करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस वीडियो का जो टाइटल है वो टॉप बेस्ट सिटीज़ टू लाइव वर्क इन इंडिया, यानी कि आप काम भी कर सकते हो। ये टॉप 5 सिटी हैं इंडिया के। वीडियो करता हूँ शुरू, मुझे कमेंट करके आप सब लोगों ने लाजमी बताना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे शहर के बारे में जहाँ पे आप बसने के साथ साथ कामकाज भी कर सकते हैं। फॉर द पास्ट डिकेड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है। इंडिया की इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी तैयार हुआ है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में बहुत सारे शहर है जो रहने की योग्य है। एंड टुडे वी कवर द बेस्ट 5 सिटीज इन द कंट्री फ्रॉम एन ऑल अराउंड पर्सपेक्टिव। ये सभी शहर भारत की टॉप 20 विकसित शहर के लिस्ट में अपनी जगह बनाकर रखा है। चलिए जानते हैं और 5 शहर कौन कौन है, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलते रहे। भाई सबके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कर्नाटका की राजधानी शहर बेंगलोर को बेंगलोर में आईटी कंपनीज आने से पहले सबसे ज्यादा लोग काम करते थे पीएसयू कंपनी में, लाइक बीईएचएल। नाउ इट हैज बिकम एन आईटी हब, अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड अ वेलकमिंग सिटी विद अ ग्रेट कल्चर एंड ग्रेट वेदर। कॉस्ट ऑफ लिविंग, बेंगलोर एक मेजर हब है, इसे प्रमुख केंद्र माना जाता है। बेंगलोर में रहने की लागत गुड़गांव, मुंबई, नोएडा और ग्रास कितना अच्छा लग रहा है लगा हुआ। बेंगलोर में जमीन और किराए की बड़ी डिमांड है, इसलिए आपको नहीं मिलेंगे। वर्क अपॉर्चुनिटीज इन बेंगलोर, बेंगलोर में जॉब जनरेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बाकी शहर से ज़्यादा है। बेंगलोर जाने वाले अधिकांश लोग शहर में दशकों से रहते हैं क्योंकि जॉब हमेशा मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब मिलते हैं आईटी सर्विस कंपनी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, स्टार्टअप में। मुंबई, मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल हब है, हमेशा से ही ज़्यादातर इंडियंस के लिए मेजर लिविंग डेस्टिनेशन रहा है मुंबई, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज मुंबई में सबसे ज़्यादा है। मुंबई काफ़ी मुंबई फेमस का सिटी है इंडिया का, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई में बड़ी बड़ी बिजनेस, जिससे भी पूछ लो काम के लिए मुंबई ज़्यादा बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है। वर्क अपॉर्चुनिटीज मुंबई में सबसे ज़्यादा है, सारे फील्ड्स के लोग इस बड़े शहर में काम करने के लिए आते हैं। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री होने के कारण इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई इंडिया का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शहर में से एक है। यहाँ पे पब्लिक बसेस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, लोकल ट्रेन, मेट्रो एंड मोनोरेल शहर में मौजूद है। मुंबई के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज है, लाइक लोनावला, पुणे, गोवा एंड नासिक। मुंबई में नाइट लाइफ भी बाकी शहर से काफ़ी अच्छा है और सेफ भी है। मुंबई की GDP है $368 बिलियन और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट GDP वाला शहर है। हैदराबाद, हैदराबाद मॉडर्न इंडिया का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। शहर में अभी भी ओल्ड स्कूल चार्म के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में भी हैदराबाद मिलेंगे। हैदराबाद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का राजधानी शहर है। हैदराबाद को निजाम द्वारा लंबे समय तक शासन किया गया था। हैदराबाद में IT कंपनी शिफ्ट होने के बाद शहर का विकास और तेजी से होने लगा है। वर्क अपॉर्चुनिटीज इन हैदराबाद, हैदराबाद साउथ इंडिया का एक मेजर IT हब है। हैदराबाद में बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज है, लाइक एप्पल, अमेजोन, फेसबुक, गूगल, इन कंपनीज का ह्यूज प्रेजेंस शहर में मिलेंगे, इसलिए हैदराबाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के बाकी शहर से ज़्यादा है। हैदराबाद को ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन शहर कहा जा सकता है। शहर में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंडिया के बाकी शहर से कम है। शहर में बाहर के सिटीज भी मौजूद है, लाइक US एंड कोरिया, तो हैदराबाद को एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कहा जा सकता है। जो मर्जी काम शुरू कर दो। पुणे, महाराष्ट्र की सेकंड बिगेस्ट शहर है पुणे मुंबई के बाद। पिछले कुछ सालों में पुणे भी मुंबई की तरह अपने आप को डेवलप किया है हर तरफ से। पुणे में यंगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शहर में एक वाइब्रेंट लाइफस्टाइल मिलता है। पुणे की क्लाइमेट बेंगलोर की तरह सिमिलर है, इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए पुणे फर्स्ट प्रायोरिटी में रहते हैं। पुणे में एजुकेशन लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग काफ़ी परिचित है। पुणे में IT कंपनीज भी मौजूद हैं, सो जॉब अपॉर्चुनिटी भी शहर में है। पुणे मुंबई से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर पर बसा है। पुणे से मुंबई तक हाईपल्स की प्लानिंग भी हो रहा है, जो एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, पुणे की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के बाकी मेजर हब से कम है, इवन मुंबई के तुलना में भी बहुत ही कम है। ईज ऑफ लिविंग में पुणे को नंबर 1 रैंक मिला है, जिसे तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। पुणे ऑल्सो हैज बीन रैंक टॉप 10 इन 9 कैटेगरीज सच एज वाटर अवेबिलिटी एंड रिडक्शन इन पॉल्यूशन।
कोलकाता। इंडिया की एक्स कैपिटल एंड पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। कोलकाता में आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ बहुत ही कम है, लेकिन अदर वेरिएंट टाइप ऑफ जॉब्स कोलकाता में मौजूद है। कोलकाता में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया के बाकी शहर की तुलना में कोलकाता की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है, इसलिए ज्यादातर लोग शहर में रहने के लिए पसंद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कोलकाता इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। शहर में ऑटोस, पब्लिक बसेस, ट्राम, लॉन्च, मेट्रो, लोकल ट्रेन, रिक्शा एंड टैक्सी मौजूद है। कोलकाता को नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेजर हब भी कहा जा सकता है। कोलकाता के आसपास कई सारे वीकेंड गेटवेज है, लाइक दार्जिलिंग, सिक्किम, दीघा, पुरी एंड जलपाईगुड़ी। दोस्तों, ये तो था इंडिया के 5 ऐसे शहर जहाँ पे कामकाज और रहने के लिए बेस्ट है। इन सब शहर में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एंड ज्यादा इकोनॉमी मदद मिलने के साथ साथ शहर में बस भी सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताओ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद। वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी और इस वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिली। इन्फॉर्मेशन क्या यार, इंडिया के मैंने जितने भी रिएक्ट किए हैं और सिटी मैंने देखे हैं, इनमें मतलब काम की इतनी ज़्यादा ग्रोथ है कि मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में भी इतनी नहीं है और भी कंट्रीज़ में इतनी नहीं है, लेकिन इंडिया जो है ये यूरोपियन कंट्री को टच कर रहा है, उनके लेवल पर आ रहा है, और ये बहुत खुशी की बात है इंडिया वालों के लिए, और इस चीज़ पर तो फख्र करना चाहिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे हर दिन ब दिन मतलब आगे जा ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसको चाहे कोई भी रोक ले, लेकिन इंडिया नहीं रुकेगा, इंडिया बहुत आगे जाएगा। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। मुझे कमेंट करके आप सब ने लाजमी बताना है वीडियो आप सब लोगों को कौन सा इसमें सिटी आप सब लोगों को अच्छा लगा काम के लिए। आज से मुझे जो मेरे जो बेस्ट इसमें सिटी है ना, वो एक तो बेंगलोर है जिसको बेंगलुरु भी कहते हैं, और दूसरा मुंबई, ठीक है, वो इनका सिटी बहुत ज़्यादा कमाल का है। तो तब तक के लिए बनिए रहिएगा मेरे चैनल के साथ, अगली वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।